अब चल बोलो। गुड इवनिंग, आज काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। पेपर पढ़ रही थी तो हस्बैंड ने कहा कि कुछ खास हो तो बताओ। वैसे आजकल पेपर में खास क्या है, या हम सबकी लाइफ में ही खास क्या है? कोरोना। लेकिन दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छी इस सेंस में कि कुछ पॉजिटिविटी है। कल मैंने पेपर में पढ़ा कि छोटे बच्चों को कोरोना का प्रभाव बहुत कम हो रहा है और वो उसके कैरियर भी नहीं हैं, तो कम से कम देश का भविष्य तो सुरक्षित है। हम लोगों की बात जहाँ तक है तो हम कॉन्शियस हैं, हम अपनी केयर कर सकते हैं। बच्चे नादान होते हैं, गलतियाँ कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन में रखना, हर समय याद दिलाते रहना कि हाथ धोना है, मास्क पहनना है, वो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने छोटे बच्चों को इससे निजात दी हुई है। गलती हम लोगों ने की है, प्रदूषण हमने फैलाया है, और उसी के लिए हम लोग को सज़ा मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। आज के पेपर में अभी मैं देख ही रही थी कि लिखा था कि जो हमें छूट मिली है उसको हम मिसयूज़ ना करें। ये सबको पता है कि हमें बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है और साथ ही साथ अपने को प्रोटेक्ट करके भी चलना है। लेकिन एक फटीग माने होता है थकान। हम बाहर जाने के चक्कर में अपने आप को इतना थका ना दें या इतना परेशान ना कर लें कि कैसे भी करके ऑफिस पहुंच जाएं, या कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो कि जो हम इतने दिन घर में रहकर, देखिए आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं एक दहशत, एक डिप्रेशन हम सब के अंदर आया, एक नकारात्मक विचार कि आगे क्या होगा। अभी भी कुछ सर्टेन नहीं है कि आगे लाइफ कैसे चलने वाली है, क्योंकि हमें कदम कदम पर अपनी को सुरक्षित रखना है, सावधान रखना है। उसके बाद कोरोना के इलाज के बाद आपको पता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रही हैं। हमारे हार्ट पे भी असर पड़ रहा है, हमारे फेफड़ों पर भी असर पड़ रहा है। हमारे माने ये नहीं कि सबके, ट्रीटमेंट के बाद इसमें कोई नई बात नहीं है। हम सब जानते हैं एंटीबायोटिक भी अगर हम लोग खाते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इतने जहरीले वायरस को ख़त्म करने के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ या ट्रीटमेंट निश्चित है कि कहीं ना कहीं अपना एक लंबा साइड इफ़ेक्ट छोड़ कर जाएगा। तो क्यों ना पहले से ही ध्यान रखें कि बीमारी आई ही ना, बस इतना सा। बीमारी से बचना ही अल्टीमेट सल्यूशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप इससे बच रहे हैं तो आप कुएं से निकल कर खाई में गिर रहे हैं, दवाइयों के प्रभाव में आ जाएंगे, तो आगे चल के उसके नकारात्मक, उसके विषैले जो रिजल्ट्स होंगे आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो हो गई बड़ी ज्ञान की बातें। अब एक पोएम थीम मिली थी एक साइट पे, उसमें कुदरत के बारे में कुछ लिखना था। छोटी सी एक पोएम लिखी, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कुदरत बोली, कुदरत बोली, ज़िद्दी हो और नादान भी, तभी तो हैरान हो और परेशान भी। पर गलती से बाज नहीं आते हो, रह रहकर फिर वही सब दोहराते हो। जब अपना बुरा भला बुरा ही नहीं समझते हो, जब अपना भला बुरा ही नहीं समझते हो, तो क्यों खुद को होशियार समझदार मानते हो? पेड़ काटते हो फिर वेंटिलेटर का मुंह ताकते हो, पानी में गंदगी डालते हो फिर आरओ से उसे छानते हो, हवा में जहर मिलाते हो और फिर मास्क लगाते हो, फ्रोजन फास्ट फूड खाते हो और फिर मोटापे से बीमार होकर मर जाते हो। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ दुनिया सजाई थी, जानवरों को नहीं पर तुमको अक्ल अता फरमाई थी। पर क्या पता था कि तुम खुद को खुदा मानोगे, पर क्या पता था कि तुम खुद को खुदा मानोगे और एक दिन मेरी खुद की ही जान पर बनाएगी। थैंक यू।